जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जनता की पैसे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैंकें, आरबीआई और सरकार इस पर लगातार कदम उठाती रहती है, नए कानून बनाते रहती है। हालांकि कई बार नए कानून बनाने से कुछ तकलीफ आती है, छोटी मोटी शुरुआत में तकलीफ होती है, लेकिन इससे ग्राहकों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तकलीफ़ झेलने की एक बार आदत लग जाती है तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा होता है आने वाले भविष्य में। और जो तकलीफ़ लगती है, जो बदलाव होने की वजह से जो तकलीफ़ लगती है, वो आने वाले समय में ग्राहकों का अपना पैसा, खुद का पैसा बच जाता है। दोस्तों, इसी से मद्देनज़र नया नियम, चेक से अगर पैसे का लेन देन आप करते हैं या पैसे निकालते हैं या किसी को देते हैं, तो उसका नया नियम पॉजिटिव पे सिस्टम का लागू होने जा रहा है 1 जनवरी 2021 से। इसके क्या इम्पैक्ट होंगे और क्या किस तरह से ये नियम लागू हुआ, चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, कन्या सुमंगला योजना, बैंक से जुड़ी हुई बातें, जनता से जुड़ी हुई बातें, जनधन योजना की बातें आपको बहुत ही आसान शब्दों में अच्छी तरीके से समझाई हुई मिलेगी, जरूर देखिए। चलिए फिलहाल हम देखते हैं पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है, बैंकिंग इंडस्ट्री का नया नियम जो कि 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। सबसे पहले बता दूं, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक धोखाधड़ी से रोकने के लिए 1 जनवरी 2021 से चेक के लिए सकारात्मक भुगतान व्यवस्था, जिसको उसकी पॉजिटिव पे सिस्टम बोलते हैं, शुरू करने का निर्णय किया है। इसके तहत 50,000 रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए महत्वपूर्ण ब्यौरा मतलब महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में दोबारा से पुष्टि करने की ज़रूरत होगी। दोस्तों, अगर आप किसी को 50,000 से ज़्यादा चेक देते हैं, 50,000 से ज़्यादा विड्रॉल करने के लिए देते हैं, ट्रांसफ़र करने के लिए देते हैं, RTGS करने के लिए देते हैं, NEFT करने के लिए देते हैं, तो बैंक इसका दोबारा आपसे पूछेगा, क्या क्या चीज़ें पूछेगा। ये सुविधा का लाभ उठाना खाता धारक पर निर्भर रहेगा, लेकिन दोस्तों बैंक इसमें बहुत कदम उठा सकती है, बड़ा कदम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देना होगा ब्यौरा, बैंक 5 लाख रुपये और उससे ऊपर की राशि वाले चेक के लिए तो यह व्यवस्था अनिवार्य कर सकती है कि मतलब अगर 5 लाख से ज़्यादा का आप चेक दे रहे हैं तो आपको बताना ही होगा किसी भी हालत में, और 5 लाख से कम, 50,000 से ज़्यादा के ऊपर की चेक के लेंडिंग की सुविधा में बैंक आपसे कभी भी किसी भी समय पूछ सकती है। क्या पूछ सकती है? वो इसलिए पूछ सकती है कि जैसे मैंने आपको, सोहन ने मोहन को चेक दिया, ठीक है, सोहन ने मोहन को चेक दिया, तो सोहन, जब मोहन जो है जमा करने जाएगा चेक, तो जिस बैंक में जमा करेगा मोहन चेक, तो उस बैंक वाले सोहन से पूछेंगे, भाई आपने मोहन को चेक दिया है कि नहीं, दिया है तो किस नंबर का दिया है, उसके अलावा और बाकी डिटेल। और ये सब पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले को SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से चेक के बारे में कुछ न्यूनतम ब्यौरा देना होगा, जानकारी देनी होगी, तभी पेमेंट हो पाएगा। क्या क्या जानकारी देनी होगी? तारीख की, मतलब किस तारीख को दिया चेक, फिर लाभार्थी का नाम, किसको दिया चेक, प्राप्तकर्ता कौन है, किसको, उसके बाद उसने किसको दिया, फिर राशि, कितने अमाउंट का चेक दिया, ये सब जानकारी देनी ही होगी। और इस ब्यौरे का चेक के भुगतान के लिए प्रस्तुत करने से पहले मिलान किया जाएगा, और जो आप जानकारी दोगे उसको टैली किया जाएगा, मिलाया जाएगा कि भाई जानकारी जो दे रहे हैं सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि सोहन ने मोहन को चेक दिया, मोहन ने कुछ और उसमें 15,000 का चेक दिया, 15,000 को 15 लाख करके जमा कर दिया, ऐसे केस होते हैं। इन सभी केसों को बचने के लिए ये सिस्टम शुरू किया जा रहा है, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले बैंक को देनी होगी जानकारी, जिसकी मदद से पूरी जानकारी विकसित की जाएगी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कि NPCI बोल रहे हैं, इस सुविधा को विकसित करेगा और सभी बैंकों को इसके लिए उपलब्ध कराएगा। RBI ने साथ ही कहा है, तो दोस्तों बैंक 50,000 रुपये और उसके ऊपर के सभी भुगतान के मामलों में खाता धारक के लिए इसे लागू करेंगे। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने का निर्णय खाता धारक पर रहेगा, अकाउंट होल्डर पर रहेगा, और जहां तक मेरा मानना है सभी को ये फैसिलिटी लेनी ही चाहिए, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। बैंक 5 लाख और उससे अधिक राशि के मामले में इसे अनिवार्य कर सकती है, 5 लाख से ऊपर तो जानकारी देनी ही होगी, लेकिन 50,000 से ऊपर के लिए बैंक जो है अकाउंट होल्डर पर छोड़ देगा कि लेना चाहते हैं या नहीं, लेकिन सभी को लेनी चाहिए जानकारी, क्योंकि पैसे का मामला होता है और कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और इसे लागू कब से किया जाएगा? इसे 1 जनवरी 2021 से लागू कर दिया जाएगा। बैंक इसके बारे में ग्राहकों को SMS के जरिए जागरूक करने को कहा गया और वो जागरूक करेंगे, साथ ही साथ ब्रांच में, ATM के मशीन के साथ, वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे और इंटरनेट बैंकिंग में इसकी पूरी जानकारी होगी, आप इसकी पूरी जानकारी भी ले सकते। फिलहाल आप, उम्मीद है मुझे समझ गए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हाँ, प्ले लिस्ट में जरूर जाइए, वीडियो बाकी देखिए।